इसराइल हमास युद्ध के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। फिलिस्तीनी संगठन हमास के मुताबिक ईरान में उसके नेता इस्माइल हनीये की हत्या कर दी गई है। हमास ने कहा है कि हनीये को नए ईरानी राष्ट्रपति की इनॉग्रेशन सेरेमनी में हिस्सा लेने के बाद इजरायली हमले में मार दिया गया। वहीं ईरान ने कहा है कि वो इस मामले की जांच कर रहा है। साल 2017 में गजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास ने इस्माइल हनीये को अपने राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख चुना था। ये ऐसे वक्त में हुआ जब हमास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को नरम दिखाने की कोशिश में था। बताया जाता है कि हनीये हाल के सालों में कतर और तुर्की से हमास का कामकाज संभाल रहा था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हनीये का जन्म गजा शहर के उत्तर में स्थित शती रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। हनीये के माता पिता अश्कलोन से विस्थापित हुए थे, जो अभी इसराइल में है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1983 में यूनिवर्सिटी में रहते हुए हनीये हमास के पूर्ववर्ती इस्लामिक स्टूडेंट ब्लॉक में शामिल हुआ था। हनीये ने हमास नेता अहमद यासीन के करीबी सहयोगी और सहायक के रूप में काम किया था और वो इस संगठन में ऊपर की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हनीये को इसराइली अथॉरिटीज ने कई बार कैद भी किया था। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक हनीये ने साल 2019 में गजा पट्टी छोड़ दी थी और वो कतर में निर्वासन में रहने लगा था। हनीये की हत्या ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन हमास और इसराइल को युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई से संबंधित समझौते पर राजी करने की कोशिश कर रहा है। हनीये की हत्या से मिडिल ईस्ट में तनाव गहराने की आशंका बढ़ गई है। हमास ने कहा है कि वो उस हत्या का जवाब देगा।